गोरखपुर से अयोध्या के रास्ते लखनऊ तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अब विस्तार दिया गया है। ये ट्रेन अब संगम नगरी प्रयागराज से लखनऊ और अयोध्या होते हुए गोरखपुर तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल तरीके से प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जुड़कर इसे हरी झंडी दिखाई और इसे वहां से रवाना किया। इस वक्त हम उसी ट्रेन में मौजूद हैं और ट्रेन रायबरेली के करीब पहुंचने वाली है। इस ट्रेन की क्या खूबी है, किस तरीके की विशेषताएं हैं और कितना जो सफर है वो आरामदायक हो जाए, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के सीनियर पीआरओ डॉक्टर अमित मालवी हैं। अमित भाई, ये बताइए कि ये इस ट्रेन को जो है चलने से किस तरीके की सहूलियत होगी, खासकर तीर्थराज प्रयागराज और भगवान राम की नगरी अयोध्या के बीच, मतलब दोनों शहरों को जो धार्मिक शहर है वो अब वंदे भारत ट्रेन के जरिए आपस में कनेक्ट हो गए हैं। देखिए, एक तो आपने ये जो बोला तीर्थराज प्रयाग और अयोध्या, तो ये आप ऐसे समझिए राम वन परिक्रमण मार्ग पे हैं और इस समय अभी रिसेंट जो रिपोर्ट्स आई हैं पिछले कुछ समय में, जो हाईएस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन जहां यूपी में रहा है वो काशी प्रयाग और अयोध्या का रहा है। इन्होंने जो देशी टूरिस्ट आ रहे हैं उसमें जो परंपरा का शहर थे जहाँ टूरिज्म ज़्यादा आता था उसको पार कर लिया, तो ऐसे में इस ट्रेन की कनेक्टिविटी और प्रीमियम ट्रेन की कनेक्टिविटी ऑब्वियस है कि टूरिज्म को, रिलीजियस टूरिज्म जो है, ट्रेडिशनल लोग आते हैं पूरे देश से और जो इस क्षेत्र की इकोनॉमी है उसको दोनों तरीके से बूस्ट करेंगे। ऑब्वियस है जब टूरिस्ट ज्यादा आएंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, निश्चित तौर पर इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगर हम इस ट्रेन की बात करें, वंदे भारत ट्रेन की जो है वो, तो इसमें किस तरीके की विशेषताएं हैं जो इसे दूसरी ट्रेनों से अलग बनाती हैं? देखिए, ये ट्रेन जो है, जैसे कि इसके टाइमिंग है, इसके एक तो स्पीडिंग बहुत अच्छी है, इसकी राइडिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी जो स्पीडिंग है वो दुनिया की बेहतरीन ट्रेनों में, ये मात्र 52 सेकेंड में 100 KMPH की स्पीड पा लेती है। तो जो वंदे भारत 2.0 का वेरिएंट है जो ये चल रहा है, तो ये एक मतलब और दुनिया में भारत की पहचान बन गई, भारतीय रेल की पहचान के रूप में उभरी है। और इसमें आपको दोनों तरीके के कोचेस हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर कार है, और इसमें सीटिंग बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल सीटिंग है, आपको CCTV की व्यवस्था है, डोर्स स्लाइडिंग डोर्स हैं ऑटोमेटिक ओपन होने वाले, इसमें टीवी स्क्रीन्स लगे हैं, इंफोटेनमेंट की व्यवस्था है, जैसे इंटरनल वाईफाई से जिससे आप उसको देख सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट आप अपने। तो ये ट्रेन और इसकी टाइमिंग मात्र इस 3:15 बजे प्रयागराज से चलेगी और लखनऊ अयोध्या के रास्ते गोरखपुर ये रात को 10:45 बजे पहुंच जाएगी और ऐसे ही वापसी में 6:05 पे गोरखपुर से चलेगी और 1:30 बजे लगभग प्रयागराज पहुंच जाएगी। तो कोई जो दैनिक यात्री हैं जिनको हाईकोर्ट आना होता है प्रयागराज, तो उनके लिए भी सुविधाकारक ट्रेन। अच्छा, आप स्पीड की बात कर रहे थे, अभी मैंने गूगल से चेक किया था तो तकरीबन ये ट्रेन जो है इस वक्त 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। भारत में तेज गति से चलने वाली ये ट्रेन हो गई है। आपने इसकी खूबियों के बारे में बताया, अगर यात्री सुविधाओं की बारे में बात करें तो यात्रियों को किस तरीके से ये सफर बेहद आरामदायक इस ट्रेन से हो रहा है? देखिए, जैसे आप प्रयागराज से लखनऊ जा रहे हैं और आप 3:15 बजे चल के 6:15 बजे पहुंच जा रहे हैं, तो मात्र 3 घंटे में पहुंच रहे हैं और शहर के बीच से शहर के बीच में पहुंच रहे हैं, जहां से आपको शहर की कोई भी कनेक्टिविटी आसानी से मिल जाती है। स्वाभाविक है, जब आप इतने कंफर्टेबल तरीके से जर्नी कर रहे हैं, सीटिंग अच्छी है, आपको कैटरिंग अच्छी है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, आप आराम से अपने, अगर आप वर्किंग उसमें जा रहे हैं तो आप अपना लैपटॉप वगैरह यूज करते हुए चार्जिंग फैसिलिटीज आप ये नीचे दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखा जा सकता है, बिल्कुल ये देखा जा सकता है, ये चार्जिंग फैसिलिटीज है यहाँ पर जो है, बिल्कुल ये, तो इस सब चीजों का भी आप यूज कर सकते हैं। और जब ये सुविधाएं हैं तो ऑब्वियसली ट्रेवल एक्सपीरियंस जो हमारे पैसेंजर का एक्सपीरियंस है वो अच्छा होता है, आप कंफर्टेबली बात करते बैठे और पहुंच गए, जिस तरह से परंपरागत तरीके से भाई हमारी जो परंपरागत ट्रेनों में तो उसमें ये सुविधाएं नहीं थी। वंदे भारत ऑब्वियसली ट्रेवल एक्सपीरियंस को सुधार देती है और जो हमारा कस्टमर है जिसको कि हम विश्व स्तरीय अनुभव देना चाहते हैं यात्रा का,
हम ये मानते हैं भारतीय रेल के तौर पे माननीय प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार कि हम किसी से दूसरे स्तर पे नहीं, हम उनसे बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें तो रेलवे की हमेशा प्रायोरिटी रही है कि पैसेंजर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पस को अगर हम देखें जो है तो उसमें क्या खास है इस ट्रेन में? देखिए, इसमें कई फैसिलिटीज हैं, जैसे एक तो आप ये सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आप ऊपर दिखा सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, इनके डोर्स जो हैं ऑटोमेटिक डोर क्लोजर है गेट, मतलब जैसे लोग फुटबोर्ड वगैरह पे चलते थे और गिरने वगैरह करते, उस तरह का नहीं है, तो ऑब्वियस ये सेफ्टी और सिक्योरिटी को बेहतर कर देता है। अच्छा, इंटरनेट के बिना दुनिया जो है आजकल अधूरी मानी जाती है, बड़ा खालीपन रहता है। हमने अभी मोबाइल अपना वाईफाई कनेक्ट कराया तो इस ट्रेन में भी वाईफाई लगा हुआ है जो तुरंत कनेक्ट कर लिया और बहुत अच्छी स्पीड भी दे रहा था। नहीं, यहाँ का वाईफाई जो है वो इंफोटेनमेंट जो इसका है ट्रेन का, उसके लिए यूज़ हो रहा है और वो जो ट्रेन में चल रहे हैं उनके लिए बहुत ही आनंददायक, मतलब अनुभव को सुखद बनाने का काम कर रहा है। अच्छा, अयोध्या में अभी कुछ दिनों पहले ही, तकरीबन 50 दिन पहले ही रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। प्रयागराज में कुछ महीनों बाद ही महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, तकरीबन 1.5 महीने का विश्व स्तरीय आयोजन धार्मिक होगा, तो कुंभ में जब श्रद्धालु देश के कोने कोने से, दुनिया भर से आते हैं, तो उन श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन कितनी मददगार होगी? देखिए, पूरी दुनिया से आ रहे हैं लोग और कुंभ में, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा मानव समागम प्रयागराज में होता है, तो ऐसे स्थिति में यह ट्रेन जो पूरी दुनिया से आते हुए ये हमारे, मतलब उनके लिए लाभदायक भी होगी और जो पूरी वैश्विक जनता आएगी उसके सामने हमारे देश की इमेज को भी बहुत ऊपर उठाएगी, कि उनको जो अनुभव मिलेगा वो उनके पुराने अनुभवों से बहुत और बेहतर होगा, उनके अनुभव को यात्रा के साथ साथ, पर्यटन के साथ साथ, धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ राष्ट्र को जो वो है इसका फायदा मिलेगा कि भाई हमारे देश की जो एक ब्रांडिंग होगी पूरी दुनिया में वो एक अलग स्तर की होगी। तो निश्चित तौर पर ये जो ट्रेन है लगातार आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और इस वक्त ये ट्रेन अब रायबरेली रेलवे स्टेशन के नज़दीक पहुंचने वाली है। तमाम मुसाफिर इस ट्रेन में मौजूद हैं, हर किसी का ये कहना है कि बहुत यादगार उनका ये सफ़र है और हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में कुछ महीनों के बाद जब कुंभ का आयोजन होगा तो उस कुंभ के आयोजन में न सिर्फ ये ट्रेन वरदान साबित होगी बल्कि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के बीच भारतीय रेल की एक अलग छवि भी बनाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।